मैम क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत स्वागत है आज भाविका जी के बर्थडे में, क्या कहना चाहोगे? उससे ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं कि भाई क्या क्या प्लान करना है, क्योंकि उसका बर्थडे है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लगा था मेरा बर्थडे, मैं इतना नर्वस हो गई थी, लेकिन हाँ आज उसका बर्थडे, हम सब बहुत खुश हैं और घर पे भी सेलिब्रेट किया, यहाँ पे भी सेलिब्रेट किया, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी एंड आई लव हर। ओके, ईशान को काफ़ी बहुत इमोशनल हो गया, आपने लंदन चले जाती है शो में, क्या कहना चाहोगे? मतलब ईशान इतना परेशान हो जाता है, मतलब हाँ अभी प्यार था तो परेशानी तो हो गई है, लेकिन अभी क्या करें, स्टोरी तो आगे बढ़नी चाहिए, तो हाँ मैं चली गई हूँ, लेकिन हाँ एक ट्विस्ट एंड टर्न के साथ वापस भी आने वाली हूँ, सो देखते रहिए घूमे किसी के प्यार में। क्या भाविका को आप परेशान करने वाली है, क्या भाविका और लव ट्रायंगल होने वाला है, क्योंकि आपकी और ईशान की जो लव स्टोरी है वो काफ़ी पसंद की जा रही थी। हाँ मतलब अचानक से ऐसा ट्विस्ट आना, मतलब शॉकिंग हो रहा है मतलब फैन को। हाँ परेशान तो मैं करूँगी, लेकिन कैसे और क्या क्या षड्यंत्र रचूंगी तो उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा। ओके, भाविका और आपकी दोस्ती बहुत अच्छी दिखाई दे रही है आज, हमने देखा है, तो क्या कहना चाहते हो भाविका के बारे में कुछ अगर आप बता दो? मतलब देखा जाए सभी ने रीवा के साथ इतना मतलब टाइम स्पेंड नहीं किया, लेकिन मैंने भाविका के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, मतलब ऑफ स्क्रीन हम दोनों साथ में ही रहते हैं, गप्पे ही मारते रहते हैं, और मुझे लगता ही नहीं मैं उसे एक महीने से जानती हूँ, ऐसा लगता है पता नहीं कब से जानती हूँ, और वो बहुत चुलबुली है, बहुत प्यारी है, हम डे वन से ऐसे वाइब कर रहे हैं, बस पूछो मत, और बहुत प्यारी है वो, और मैं उसे बेस्ट विशेस देना चाहूँगी उसके बर्थडे के दिन, एंड वो बहुत प्यारी है। बस बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हैं, बिग बॉस के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, एलजी शो, अभिषेक हो, किसको आप देख रहे हैं? मनीषा रानी तीन टॉप कंटेस्टेंट हैं। मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही, लेकिन हाँ एलविश को मैं फॉलो करती हूँ, तो उसको देख के बहुत मज़ा आ रहा है। एलविश क्या को डाटा सलमान खान ने, और सलमान खान के 3 से 4 मिलियन फॉलोअर गिर गए, क्या कहना चाहोगे उस पर? मतलब इतनी बड़ी वो हो चुका है कि एलविश के इतने फैन थे कि वो सलमान खान के उसमें ही हो गए। इस बारे में तो पता नहीं, बट हाँ एलविश मुझे बहुत पसंद है, मतलब बहुत मज़ेदार इंसान है। So, इससे पहले आप देखते थे एलविश को या YouTube? हाँ, में जी। ओके, और कभी हम आपको बिग बॉस के अंदर देख पाएंगे आने वाले दिनों में? वो तो पता नहीं, वो तो वक्त बताएगा। वन लास्टली मैसेज टू योर फैंस, हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, सो गाइज बहुत सारा प्यार दीजिए शो को और हमको। थैंक यू।